गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बचुस में मैं दुर्गधनकर फॉर्मर एस बी आज आप लोगों के लिए इंटरव्यू के सीरीज में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करूंगा जो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सेशन देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यार इंटरव्यू के लिए जो जो मैंने सेशन बहुत ज्यादा सेशन नहीं है अभी तक छः से सात सेशंस मैंने बनाए हैं तो वो सभी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं पिछले साल के हमारे कैंडिडेट थे जो फाइनली एज आर आर बी पी सेलेक्ट हुए थे उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है क्या पूरी प्रोसेस किस तरह से रहती है वो शेयर किया है कॉमनली आज क्वेश्चंस भी है और इस साल भी मैंने कुछ टिप्स के वीडियो डाले हैं जिसमें ड्रेस कोड का है कॉमनली आज जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है किन किन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है और बाकी जनरल टिप्स ठीक है तो आज का सेशन जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो पार्ट है इंटरव्यू के इनिशियल में बिल्कुल बिगिनिंग में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप एंटर करते हैं चेयर पे बैठते हैं बैठते ही बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपसे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाए अब इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी रह सकती है कि वो इंट्रोडक्शन के बजाय कोई स्पेसिफिक आपसे सीधा सवाल पूछ ले दैट्स डिफरेंट बट अगर आपसे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा जाता है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इन डिटेल सारे एलिमेंट्स को देखना है अब कैसे कैसे देखना है सारी बातें हम कवर करेंगे सबसे पहले आपका आता है नेम सबसे पहले आपका क्या आता है नाम आता है जिसमें आप नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे कि माई नेम इज़ जैसे मैं अपना बोलूं माई नेम इज सर ध्रुव धनकर ठीक है अब नेम से आपने ये नॉर्मल एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया नेम से रिलेटेड भी फॉलो अप क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब आप एक बार अच्छे से देखिएगा नेम से फॉलो अप जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है कि आपके नेम का मीनिंग क्या है आपके नेम का मीनिंग क्या है अब यहां पर आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप इससे आगे फॉलोअप क्वेश्चन चाहते हैं अगर चाहते हैं तो ये आंसर थोड़ा सा डिटेल डिटेल में में रहना चाहिए अगर आपने में इसको प्रिपरेशन नहीं किया है तो छोटा सा प्रिसाइज रखिएगा बट उसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको अच्छे मार्किंग यहां पर नहीं मिल पाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नेम का आप मीनिंग देखिएगा इसका जो ऑरिजिन है वो देख के जाइएगा और कोई इंपॉर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में दुनिया की हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री में या किसी भी तरह का अगर कोई इम्पोर्टेंस है वो भी एग्जाम्पल के साथ शेयर कीजिएगा जैसे कि मेरा नाम ध्रुव है तो ध्रुव जो वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड है वो आता है ध्रुव नक्षत्र से और ये जिक्र कहाँ पर पहली बार किया गया था हिंदी हिंदू मिथोलॉजी में ये पहली बार जिक्र किया गया था महाभारत में इसके अलावा ध्रुव का मतलब क्या होता है जो इमूवेबल रहता है जो फिक्स्ड रहता है अब ध्रुव नक्षत्र का जिक्र क्यों किया गया था ध्रुव जो पोते थे वो आ, शायद मनु के पोते थे और बेटे एग्जेक्टली किसके थे मैंने उस टाइम तो तैयार किया था अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं उत ऐसे करके कुछ वर्ड था यार एग्जैक्टली मुझे बट आई होप आपको सेंस पता चल रहा है काफी टाइम हो चुका है तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली इसके अलावा ध्रुव होता है पोल स्टार के लिए होता है पोल स्टार क्या होता है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में अपने आंसर को दीजिए डिटेल में अपने आंसर को दीजिए अब ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आंसर में जो जो चीजें आप मेंशन करें उससे फर्दर क्वेश्चन भी निकल के आ सकते हैं तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बहुत जरूरी है बट अगर आप आपसे नेम का मीनिंग पूछा जा रहा है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक्स्ट्रा मार्क्स आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स अटेन कर सकते हैं और जब आपसे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पूछा जाता है ना सवाल तो आपके पास बहुत मौका रहता है कि आप इंटरव्यू को कैसे मनोवर करना चाहते हैं कैसे डायरेक्शन देना चाहते हैं और ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में अब मान लीजिए नेम के लिए अगर आपने आगे फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे डिटेल में चीजें अपने जो नेम के बारे में नहीं पढ़ रखी तो आप एक छोटा सा आंसर दे दोगे और मीनिंग पूछा जाए तो एक सा तो आगे फॉलो अप क्वेश्चन बंद हो जाएंगे बात खत्म तो आपने डायरेक्ट कर दिया अब नेम के बाद अगली चीज आप क्या बताएंगे आपका प्लेस बताएंगे कहाँ आप रहते हैं तो इसके लिए भी जो एक स्टैंडर्ड आंसर रहता है कि जैसे कि मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आई कम फ्रॉम या आई बिलोंग टू जयपुर राजस्थान अब इसमें भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपने अपने प्लेस के बारे में जो मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि प्लेस के बारे में अच्छे से पढ़ना जरूरी है तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में कर सकते हैं जैसे कि आप बोल सकते हैं पिंक सिटी जयपुर में मैं रहता हूं इस तरह से अगर आप आंसर दें तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड होता है और एक एक आप जो पैनलिस्ट है उनको एक आप इनिशिएटिव एक तरह से एक उकसा रहे हैं आपको उनको अर्ज कर रहे हैं कि देखिए कि मुझे अपने प्लेस के बारे में ऑल्दो मुझे छोटा सा आंसर देना है उसमें भी मैंने अपने प्लेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दिए तो उनके भी एक सीट प्लांट होता है कि यार इसके बारे में मैं और चीज़ें पूछूँ अब आप सीधा बोल दो जयपुर राजस्थान तो वो वहां पर ही खत्म हो जाता है हाँ कई बार ऐसा होता है कि अलग से भी लोग पूछते हैं अगर आपके प्लेस जहां से है पैनलिस्ट के कोई इंटरेस्ट जगता है वो अलग बात है बट आप पैनलिस्ट तक क्यों छोड़ते हैं अगर आप प्लेस के बारे में अच्छे से पढ़ के गए हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करो जैसे मैं जयपुर से तो मैं बोलूंगा पिंक सिटी पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ तो एक मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ एक उनको अर्ज कर रहा हूँ कि यार इस पर थोड़े से क्वेश्चंस और पूछिए क्योंकि मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँगा तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है प्लेस के बाद नेक्स्ट आता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड अब एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप अपने ग्रेजुएशन और अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके बारे में बताएंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और यह आंसर बहुत सिंपल रहेगा कि मैंने अपना जैसे मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फ्रॉम पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात से ठीक है और इन ईयर जो भी आपका ईयर है ग्रेजुएशन वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे अगर आपका grad है तो पोस्ट ग्रेड भी यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे अब एजुकेशनल बैकग्राउंड से ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंसर डिपेंड करता है कि यार इंटरव्यू का डायरेक्शन कहाँ जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा इंटरव्यू रहता नहीं है जनरली जो एवरेज टाइम जो मैंने देखा है अब सात से आठ मिनट में ऑलमोस्ट सभी के इंटरव्यू जो एक्सटेंड होते हैं वो भी 12 से 15 मिनट लॉन्गेस्ट इंटरव्यूज देखे हैं। मैंने इससे ज्यादा बड़े इंटरव्यू नहीं जाते से आठ मिनट में जनरली हो जाते हैं और कईयों के ऐसे होते हैं जो चार पांच मिनट में भी इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है तो इंटरव्यू एक बार आप के आपकी साइड पे आ गया है कि यार मैं क्या क्या चीजें बताना चाहता हूं उससे फॉलो अप क्वेश्चन बनते हैं तो एक तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो कि यार ये इंटरव्यू की डायरेक्शन कहाँ जाए पर प्रिपेयर हमें सभी के लिए करना है तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आप लोगों ने बता दिया बताने के बाद अब एजुकेशन बैकग्राउंड पे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आजकल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है जैसे आपने बीटेक जैसे मैंने बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मैंने की है तो यार आपने बीटेक किया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में और आप आना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में ऐसा क्यों और दूसरी बात ये ये क्वेश्चन तो ये बनता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज करेंगे तो ये दो क्वेश्चन आपको तैयार करके रहना है क्योंकि हर किसी के लिए हर अलग अलग आंसर रहेंगे तो मैं एक जनरल आंसर यहाँ नहीं दे सकता हूं तो ये आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा कि जहां पे भी आपने ग्रेजुएशन किया जिसमें भी फिर आप बैंकिंग सेक्टर क्यों सेलेक्ट कर रहे हो और दूसरा कि जो आपने जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है जिस भी फील्ड में ग्रेजुएशन की है वो नॉलेज आप बैंकिंग सेक्टर में एज अ बी कैसे यूज करेंगे तो ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बाकी अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा डिटेल में उसके अंदर से कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा ठीक है तो स्टैंडर्ड दो क्वेश्चन है ये निकल के आ सकते हैं यहां से ठीक है आई होप सभी के क्लियर है अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट uh, जो आप मेंशन करेंगे वो आप मेंशन करेंगे अपने गोल्स मेंशन कीजिएगा गोल्स मेंशन कीजिएगा कि आपके लाइफ में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे हैं जैसे अभी सर इमीडिएट गोल मेरा ये है कि मैं इस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करूं और अपना जो आर आर बी पी यू का जो जॉब है वो सिक्योर करूं लॉन्ग टर्म जैसे आपने आगे के पाँच से छः साल का कि आज से पाँच से छः साल में मैं अपने आप को इस इस पोस्ट पर आर आर बी में यहाँ यहाँ पर देखता हूँ ये मेरा टारगेट है मेहनत करके खूब मेहनत करके अच्छे से परफॉर्म करके और पाँच से छः साल के अंदर मैं इस पोजीशन पे अपने आप को देखता हूँ तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि पाँच से छः साल में आप पीओ से कौन से पोजीशन या कौन से डेजिग्नेशन तक पहुंच सकते हैं वो आप अपने गोल्स यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा अब इसके अलावा इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी हॉबीज भी जरूर मेन्शन कीजिएगा हॉबीज स्लैश अचीवमेंट्स ये कोई आपसे आगे से नहीं पूछेगा अगर आप बताएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और असली में ये हॉबीज अचीवमेंट्स असली में हो तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इससे फॉलोअप क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं आप थोड़ा सा झूठ आप बताएंगे कई बार बताना पड़ता है कुछ चीज़ें मेकअप करनी पड़ती है पर इन चीजों को नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से और अगर आपके स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में कुछ भी आपके अचीवमेंट्स आपकी हॉबीज रहे हो उन पे एलॉबेट जरूर कीजिएगा और उससे फॉलोअप क्वेश्चन की तैयारी जरूर करके रखिएगा जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हॉबीज का कॉमन रहता है जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या फिर आपने सर्टेन लेवल तक क्रिकेट खेला है या फिर आपको क्रिकेट देखना पसंद है आपको फॉलो करना बहुत पसंद है तो इससे रिलेटेड फॉलो अप क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा कि यार अभी ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज जो अभी कंक्लूड हुई उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन था या फिर उसमें किस स्कोर से आ, कौन जीता किस स्कोर से जीता तो इस तरह के इमीडिएट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर पुराने क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा जो भी आप हॉबी अचीवमेंट बताएं अब अचीवमेंट क्या हो सकता है जैसे मान लीजिए कि आप अचीवमेंट एक ही हो सकता है कि स्कूल टाइम में सर मैं अपनी डिबेट टीम का क्या था आ, लीडर था या कैप्टन था या फिर आपको स्पोर्ट्स में बता सकते हैं कि सर मैं हंड्रेड मीटर रेस में आ, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर चुका हूं तीन से चार साल तक या इस तरह के कोई भी अचीवमेंट हो खुद से आपको आगे से मेंशन करना है क्योंकि ये जो बैंक के इंटरव्यूज होते हैं इसमें आपका कोई सीवी नहीं होता कोई रिज्यूमे आप देते नहीं हो तो ये सारी चीजें आपको आगे से भर के मेंशन करनी है इनको बताना है अब एक पॉइंट आपका और रहता है वो रहता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का इस पर मेरे पास आज काफ़ी सवाल है आज मेरे पास काफी सवाल आए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे कि सर अगर हमसे स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस पूछी जाए तो क्या मेंशन करेंगे तो इसमें मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो अगर पॉसिबल हो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद से ही खुद से ही मेंशन कीजिएगा और स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले पार्ट में क्या क्या मेंशन करना है ये मैं थोड़ा सा आपके लिए एलोबरेट कर देता हूँ अब स्ट्रेंथ में आपको अपनी ट्रेड्स बताना स्टार्ट नहीं करना है कि मैं ऑनेस्ट हूं मैं हार्ड वर्किंग हूं मैं सिंसियर हूँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और ये सारी चीज़ें नहीं ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वीक आंसर्स ये जहाँ तक मुझे लगता है आप अपनी स्ट्रेंथ को विद एग्जाम्पल्स विद प्रूफ्स आप एलोब्रेट करेंगे जैसे कि किससे स्ट्रेंथ जो भी हो आपकी आपकी जॉब से रिलेटेड हो मतलब वो आपकी जॉब को जॉब के लिए का, आ, काम की होनी चाहिए ऐसी जनरल कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए ठीक है जैसे कि आप एज ए पी जब वर्क करेंगे एज ए पी जब वर्क करेंगे तो पब्लिक रिलेशंस इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है पब्लिक रिलेशंस इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है दूसरा प्रेशर्ड एनवायरनमेंट रहता है उसके अंदर काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके अलावा एक आप अपने ब्रांच के एक तरह से लीडर की तरह रहते हैं जितने भी आपके अंडर क्लर्क काम रहते हैं तो एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है तो पब्लिक रिलेशन अच्छे होने चाहिए आप सोशल हो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें लोगों के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं वो लोग आपकी बात सुने आप उनकी तरफ जो इंटरेक्शन है उनमें इंटरेस्टेड रहे ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट है बहुत सारी डेडलाइंस रहती है प्रेशर्ड इन्वायरमेंट रहता है बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी

ग्रुप्स uh, में काम किया है मैंने पब्लिक डीलिंग कर रखी है या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो प्रेशर्ड इन्वायरमेंट का भी आप कोई ना कोई आपको इंस्टेंस देना पड़ेगा नहीं है तो सोचिए सोचना स्टार्ट कीजिए लीडरशिप का आप दे सकते हैं कि यार मैंने अपनी टीम को कैप्टन किया है या फिर मैं डिबेट टीम का लीडर था वहाँ पर मैंने मैनेज किया है या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं एज अ कैप्टन था एज अ हेड था जहाँ पर मैंने मैनेज किया है लोगों को तो ये सारी चीज़ें विद इंस्टेंस आपको देनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ बताना अच्छा नहीं रहेगा ठीक है आई होप यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर कर दिए हैं बाकी आप थोड़ा सा इनके बारे में सोचिएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वीकनेस यार स्ट्रेंथ तो बता देंगे अब वीकनेस आप खुद से आगे जल, चल के नहीं बताएंगे जब आप स्ट्रेंथ बताएंगे तो यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि यार आपकी वीकनेस क्या है आपके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेंथ तो बता दी और आपने बड़ी कन्वीनियंटली वीकनेस नहीं बताई तो आप बताइए अपनी वीकनेस क्या है तो अगर वीकनेस का पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है ना तो एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को कहूंगा उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आज ही मेरे दो तीन स्टूडेंट्स ने मुझसे वीकनेस के बारे में पूछा पहले मैंने इसके लिए सोच के नहीं रख रखा था क्योंकि अपने इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन ना टैकल करने की जरूरत पड़ी थी ना ही मैंने इसे मैंशन किया था पर अच्छा क्वेश्चन है इसके बारे में सोच के जाना बहुत बढ़िया बात है अगर पूछ लिया जाए तो हम ऑफ गार्ड ऑफ गार्ड ना हो मतलब हमें ऐसा ना हो कि सरप्राइज हो जाए हम और हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो तो बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है अब प्रिपरेशन वीकनेस के लिए मुझे क्या लगता है एक तो आप अपने जो भी अपनी क्वालिटीज़ हैं जो पर्सनल जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उनको वीकनेस में आप बिल्कुल मेंशन मत कीजिएगा और एक चीज़ और अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बच्चे जैसे मेरे से जिन लोगों ने पूछा कि सर ऐसी वीकनेस बताओ जो ख़राब भी नहीं लगे और एक स्ट्रेंथ की तरह निकल के आए ये समझदारी ये ओवर स्मार्टनेस मत दिखाइएगा बिल्कुल भी वहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो सभी के सभी एक्सपीरियंस लोग हैं वो बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं उन्होंने बहुत लाइव है तो वीकनेस के अंदर भी छुपा के डिस्गाइज करके स्ट्रेंथ दिखाना ये थोड़ा ओवर स्मार्टनेस रहेगी ये थोड़ा सा आप डिसपेक्टफुल हो जाओगे पैनलिस्ट की तरफ आप जो अपनी वीकनेस बताओ ना इस तरह से बताइएगा जो परमानेंट ना हो मतलब आ, हर जगह पर वो वीकनेस ना दिखे सिचुएशनल वीकनेस हो कंटेक्चुअल वीकनेस हो और ऐसी चीज़ हो जिस पे आपने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी आपको रिजल्ट मिलने लगे और आगे भी आप इस पे लगातार काम करते रहेंगे जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं अभी वही सोच रहा था उसके बारे में आप ये बता सकते हैं जैसे कि मैंने जब इंटरव्यू दिया था मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं जॉब से रिलेटेड तो ये नहीं बना सकता था मैंने क्या की थी मैंने प्रिपरेशन ही की थी तो प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं एक इंस्टेंस ये निकाल सकता हूँ कि सर जब एग्ज़ाम का आखिरी टाइम रहता है जब टाइम कंस्ट्रेंट रहता है प्रेशर हाई रहता है तब मैं एक्स्ट्रा फोकस जाता हूं। एक्स्ट्रा फोकस्ड फोकस्ड हो हो जाता जाता और खुद को शेल इन कर लेता हूं कि बाकी आसपास जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स उनसे बिल्कुल मैं कट जाता हूं बिल्कुल कट जाता हूं अब यहां तक तो यार सारी की सारी चीजें आप पॉजिटिव बता रहे हो तो इसमें नेगेटिव क्या है अब देखो नेगेटिव पॉइंट कैसे शेल इन कर देता हूं। तो जो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को जो इम्प्रेशन जाता है जो उन्होंने मेरे साथ कन्वे भी किया और जो मैंने भी ऑब्जर्व करने पर पता चला कि मैं थोड़ा सा रूड साउंड करता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस साउंड करता हूँ उनके लिए कि उनको मैं ना प्रॉपर अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं ना अच्छे से मैं आंसर कर पा रहा हूं थोड़ा सा मैं रूड और डिस्टेंस साउंड करता हूं जिससे कि गलत इंप्रेशन पड़ता है गलत इंप्रेशन पड़ता है तो इस पर मैंने धीरे धीरे ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया था और अब जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है मैं खास ध्यान रखता हूँ एक मेंटल नोट एक तरह से मैंने एक अफर्ट डाले हैं अपने तरफ से कि मैं ऐसा साउंड ना करूं, ऐसा बिहेव ना करूं और जो मैं इन uh, नॉर्मल जो मेरा बिहेवियर रहता है जैसे कि मैं कम्युनिकेट करता हूं, अच्छे से वैसा ही इस टाइम पे भी करो अब इसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों बताया ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आ, सर मेरे ये एग्जाम्पल आपको बताने का ये रीज़न भी ये है कि क्योंकि जब बैंक के लिए जब मैं आ, बैंक में एज अ पी जब मैं काम कर रहा हूँ तो काफ़ी टाइम ऐसा रहेगा कि मैं प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में रहूंगा डेडलाइंस रह सकती है टाइम कंस्ट्रेंट रह सकता है तो उस टाइम मैं ध्यान रखूं कि इस जो मेरा ये जो कंटेक्चुअल जो नेचर है वो बाकी जो मेरे बाकी जो मेरे साथी लोग हैं बाकी जो मेरे अंडर क्लर्क काम कर रहे हैं जो ऊपर मेरे मैनेजर है उनको मैं रूड ना साउंड करूं उनको ऐसा ना लगे कि मैं डिस्टेंस हूं उनसे मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन रखूं प्रॉपर जो पोलाइटनेस है जो प्रॉपर बिहेवियर है वो मेंटेन करके रखूं और उसमें मैं स्टार्टिंग से इंप्रूव करता हूं तो ये जो एक वीकनेस है जिसपे मैंने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है और जो मुझे लगता है मुझे काम करने की जरूरत थी अगर मुझे आर में एज अ पी वर्क करना है एफिशेंटली आई होप आपको आंसर पसंद आया हूँ ये मैंने अभी कुछ थोड़े टाइम में सोचा क्योंकि सुबह ही कुछ दो तीन स्टूडेंट्स के आए थे तो इसके बारे में मैंने सोचना स्टार्ट किया ये मैंने एक एग्जांपल दिया इसी तरह से आप भी कोई ना कोई एग्जांपल सोच सकते हैं एक्जैक्टली exactly मेरा आंसर देने की जरूरत नहीं है पर मैंने आपको बता दिया कि कोई पर्सनैलिटी ट्रीट ऐसे मत बताइएगा कि मैं आलसी हूं और इस तरह के जो रहते हैं कि मैं गुस्सा जल्दी हो जाता हूं और ये ये सब नहीं और दूसरी चीज ये भी मत कीजिएगा कि स्ट्रेंथ ही बता रहे हैं पर छुपा के स्ट्रेंथ बता दिया तो ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा कि वीकनेस में भी स्ट्रेंथ ही बताए जा रहे हैं और जो भी आप वीकनेस बताएं वो कंटेक्चुअल होनी चाहिए कंटेक्ट रिलेटेड होनी चाहिए जनरल नहीं होनी चाहिए कि सब सिचुएशन में लग रही है सिचुएशनल होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में मेरी ये वीकनेस थी और एक बात और होनी चाहिए कि इस पर आपने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया इस पर ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया ठीक है और उसको अपने जॉब से अगर आप रिलेट कर पाए जॉब से अगर रिलेट कर पाएं तो और ज्यादा बढ़िया दैट्स ग्रेट ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था अब इसके अलावा जाने से पहले मैं फिर से मेंशन करूंगा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि इससे आप पूरा का पूरा जो इंटरव्यू का जो पेस है जो डायरेक्शन है वो कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि जिस एलिमेंट पे आप जितना एलोबरेट करेंगे जितना आप एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छी बात भी है पर ये दो धारी तलवार है कैसे सर कि एलोबरेट करेंगे तो उससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो मिलेंगे पर उससे फॉलो अप क्वेश्चन भी मिलेंगे तो उसके लिए फॉलो अप क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर अगर करके जाओगे ना तो मजा आ जाएगा पैनलिस्ट को बिल्कुल मजा आ जाएगा कि यार कितना प्यारे तरीके से प्रिपेयर किया और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है मैंने इतनी बार आप लोगों को बता दिया है जो आप प्रिपेयर कर रहे हो सारी चीजें करनी है सब लोग करके जाएंगे पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू में कि आप कैसे अपने आंसर को डिलीवर करते हैं तो विद कॉन्फिडेंस विद क्लैरिटी विद पोलाइटनेस ठीक है नर्वस एनर्जी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए पैनिक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है एक्स्ट्रा हड़बड़ाना नहीं है जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं ये सब चीजें नहीं करनी है ये सर्वोपरि है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रायरिटी में आपके सबसे ऊपर होना चाहिए यार मैं एक आंसर भी अगर कर पा रहा हूं ना तो वो आंसर भी मैं पूरी कामनेस के साथ कॉन्फिडेंस के साथ पोलाइटनेस के साथ अच्छे से आंसर करो ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे बाकी आगे भी वीडियोस मैं इंटरव्यू के लिए आप लोगों के लिए डालता रहूंगा और इसी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और जो मैंने प्ले के बारे में जिक्र किया था वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा लिंक जाके अगर आप लोगों ने वीडियोज नहीं देखे तो प्लीज जाके वीडियो देखिएगा नाउ देट ऑल फॉर टुडे सेशन ठीक है